बाकी आगे की स्थिति की बात करें तो थोड़ा बहुत क्या दिख रहा है आपको आगे की स्थिति? आप तो खराब दिख रही है इस तरीके से, बेच चुके हो इसलिए दिख रही है? नहीं नहीं नहीं, किसान कोई कोर्ट पर दिख नहीं रहा है, इस समय वित्तीय होती इस महीने में नहीं तो। मैं अभी रात नगर पर जय शेरावाली में कोल्ड स्टोरेज में हूँ, और यहाँ रेट वगैरह का पता करेंगे, निकासी की स्थिति पता करेंगे, क्या किस तरह की निकासी है, किस तरह के रेट है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों अभी मैं जय शेरावाली माँ सीधा प्राइवेट लिमिटेड रात नगर पर हूँ, और मेरे साथ में राम कपाल जी और मनोज कुमार जी हैं। तो जानेंगे कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, निकासी की भाव वगैरह क्या मिल रहे हैं किसानों को। तो मनोज भैया अगर बात करें हम निकासी की, तो निकासी करीब करीब अपने को आपके कोल्ड स्टोर से कब शुरुआत हुई थी? चौथे महीने में लास्ट वीक में शुरुआत हुई, मतलब अप्रैल के लास्ट में आके, मतलब ये है कि मई मई की ये पूरी निकासी आपका एक महीने की निकासी के आसपास की हो गई। तो अब तक की निकासी की बात करें तो अब तक कितनी निकासी हो गई है? 11,000 के आसपास की आपकी निकासी हो गई। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जून के शुरुआत तक करीब करीब कितनी निकासी हो गई थी? 16,000 पैकेट की पिछले साल निकासी हुई थी। तो ये 4,000-5,000 के आसपास का अंतर है पिछली निकासी में अभी की निकासी में। तो ये अंतर किन वजहों से हो सकता है, कुछ आपकी समझ में हो, जानकारी में हो? जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश की वजह से वो मंदा चल रहा है, इस समय किसान आ नहीं रहा है, कम आ रहा है, बाजार डाउन है, 1,000-1,100 रुपये की रेट हो रही है, गुल्ला 700-750 रुपये बिक रहा है, इसलिए किसान कम आ रहा है, बिक्री कम हो रही है। अच्छा, पिछले साल की रेट इस समय तक क्या थी? पिछले साल की रेट महंगी थी, महंगी थी तो किसान ने वो थोड़ा सा निकाल दिया, मतलब निकाल दिया था। तो अभी कुल मिला गया भाव कम है इसलिए थोड़ी सी ये निकासी। हाँ, भाव अच्छा मिलता तो किसान बिक्री करता, किसान कम आ रहा है बिक्री, भाव के इंतजार में थोड़ा सा भाव के इंतजार में रुका हुआ है। तो अभी जैसे अगर बात करें तो आपके यहाँ सौदे ज्यादातर किस रेट के हो रहे हैं? गुल्ला के हो रहे हैं 700-750 रुपये। अच्छा, और मोटे बढ़िया आलू के हो रहे हैं 300-2, 37-97 के 1,100 रुपये तक एक नंबर माल के। 300-2, 37-97 के? हाँ, 1,100 रुपये। हाइब्रिड की क्या स्थिति है? हाइब्रिड 9-9.5 रुपये 9-9.5 रुपये का हाइब्रिड का। जब भी जैसे आज तारीख है आपकी 3, हाँ, तो अभी 1-2 तारीख में सौदे कुछ हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं। वो किस रेट के हुए हैं? वो तो ऐसे हुए हैं, गुल्ले के रेट 730 रुपये में बिका है गुल्ला, 37-97 का, और कल भी सौदे हुए हैं 650-750 रुपये में सौदे हुए हैं गुल्ले के, गुल्ले के कुंटल के, गुल्ले कुंटल के मोटे के, हाँ मोटे के 1,100-1,150 रुपये लास्ट कुंटल का। हाँ, कुंटल एक का सौदा पर्ची वगैरह होगी? हाँ, सौदा पर्ची है, दिखा दीजिए जरा एक दो हो तो। एक तारीख में माल बिका है हाइब्रिड 930 रुपये, ये 930 का है आपका एक तारीख का हाइब्रिड का, हाइब्रिड का 302। अच्छा, 302 हाइब्रिड में ही है, हाइब्रिड में ही आता है। हाँ, हाइब्रिड में 930 रुपये का, 105 कट्टे का हल्का माल था। अच्छा, हल्का माल था। इसके अलावा और कोई सौदा? ये गुल्ला बिका है 670 रुपये प्रति क्विंटल। अच्छा, ये 2 तारीख का है। हाँ, ये गुल्ला है तो हाँ। ये गुल्ला कौन से आलू का था? 302 का था, 302 का ये। अच्छा, तो यही 2 सौदे हैं 1-2 तारीख में, एक आध और है? हाँ, यही सौदे। ये हाइब्रिड आलू है, पुखराज आलू 880 रुपये प्रति क्विंटल मोटा। अच्छा, मोटा पुखराज का 880 का, 880 रुपये। तो ज़्यादातर इन्हीं रेटों में आपके यहाँ पे? इन्हीं रेटों में, हाईएस्ट 1,125। अच्छा, 1,125 हाईएस्ट। हाँ, तो मतलब अभी के सौदे हैं ये, या जैसे मान लो बात करें हम शुरुआत की, तो शुरुआत में सौदे कुछ ऊंचे भी हुए थे क्या? इनसे शुरुआत में सौदे ऊंचे हुए, शुरुआत 1,200-1,250 शुरुआत में सौदे हुए थे। अगर आप किसान की बात करें तो किसान की कैसी स्थिति है, कोर्ट तक कैसा आ रहा है किसान? किसान बहुत कम आ रहा है, कम आ रहा है। हाँ, व्यापारी? व्यापारी तो आ रहे हैं, व्यापारी तो आ रहे हैं, लेकिन रेट के हिसाब से किसान रुक नहीं पा रहा है, सौदा बन नहीं पा रहे हैं, व्यापारी सस्ता मांग रहे हैं। व्यापारी ज्यादा अमूमन क्या रेट मांग रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 1,100 पर बढ़िया आलू एक नंबर, और जैसे चेचक का निकलता है तो व्यापारी नहीं लेता है, ज्यादा चेचक की भी मार है। चेचक की तो समस्या इस साल ज्यादा है, समस्या ज्यादा है। हाँ, आपके क्षेत्र में चेचक की समस्या तो ज्यादा है।
किसान क्या मूड बना के आता है कि भाई इस रेट में हम दे देंगे ज्यादातर किसान भाई, आपकी तो लगातार बातचीत होती होगी, होती है बातें, तो किसान क्या रेट ज्यादातर अपेक्षा करता है कि भाई हमें कम से कम इतना रेट तो मिल जाए। अब किसान तो 1200 की बजाय मानना है किसान, लेकिन 1200 की सौदा नहीं हो देंगे किसान को, लौट जाता है किसान। किसान मूड बना के आता है 12-12.5 तक का, लेकिन भाव से उतना मिल नहीं पा रहा, वही 11-11.5 आई है 11.5 है, 11.5 नहीं हो रहा है, 11.5 नहीं हो पा रहा, 11 तक ही बिक रहा है, 11 तक ही। तो ये राजनगर से मेरे साथ मनोज कुमार जी और राम कपाल जी थे, जिन्होंने बताया कि इनके कोल्ड पर क्या स्थितियाँ हैं और किस तरह के सौदे हो रहे हैं, किस तरह की रेट मिल रहा है किसान को, किसान का क्या मूड है और व्यापारी का क्या मूड है। मैं अभी राजनगर पर श्री सच्चिदानंद कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में सत्यदेव भैया हैं। भैया अगर बात करूँ मैं निकासी की, तो निकासी कब से आपके कोल्ड से स्टार्ट हो गई थी? निकासी तो ऐसे हो गई थी लास्ट अप्रैल से ही, लास्ट अप्रैल में। अभी तक की निकासी की स्थिति की बात करें तो कितनी निकासी अभी तक हो गई होगी? अभी तक निकासी हुई है पूरे कोल्ड स्टोर से 9000। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 14000, मतलब वो 4-5000 कट्टे का कम है। तो ये कम होने की कुछ वजह समझ में आ रही है, किन वजहों से ये कम है इस वर्ष की निकासी? बस वो ये भाव का किसान को संतुष्टि नहीं है कि भाव एक उचित नहीं मिल रहा है किसानों को, तो हिसाब से किसान का मन नहीं कर रहा है। कुल मिला के है कि किसान थोड़ा इंतजार कर रहा है भाव ठीक ठाक मिले, तभी चल के आगे का वो निकासी की स्थिति को बढ़ा है। तो अभी जो निकासी हो रही है ज्यादातर आपके कोल्ड स्टोरेज से किस रेट की निकासी हो रही है? ज्यादातर 1000 से 1100 रुपए के आसपास हो रही है, 1100 रुपए के आसपास हो रही है। तो वही 300-297 ज्यादातर आलू आपके पास? हाँ वही ज्यादातर हमारे पास वही आलू। हाइब्रिड है? हाइब्रिड भी है। हाइब्रिड की क्या स्थिति है? हाइब्रिड 1000 से नीचे है, जो बिक जाए वो है 900-1000। गुल्ले की क्या स्थिति है? गुल्ले की अभी खरीद कम है वैसे, पर आलू ये मान लो तुम 1000 से वो 600 से 700 तक का, जब कुछ होता है 50-40 रुपये और हो जाते हैं। जैसे अभी बारिश हुई तो हालांकि बेमौसम तो हो ही रही है कहा जाए तो, हाँ जैसे लोग कहते हैं कि बारिश के बाद स्थितियाँ थोड़ा सा अच्छी होंगी, तो उम्मीद है कि बारिश का थोड़ा सा भाव उछल सकता है, पड़ सकता है? हाँ बारिश अच्छी होगी तो सुधार तो बाजारों में आएगा, पर ज्यादा सुधार होगा नहीं, बस यही चलता रहेगा 1200-1150 ऊपर जाएगा, 100-150 रुपए तक ऊपर जा सकता है, ज्यादा स्थिति ज्यादा, हाँ ज्यादा सोचे तो ज्यादा ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाई। किसान कैसा आ रहा है कोल्ड पे बेचने की? किसान भी कम आ रहा है, देखिए कोई है ही नहीं, बताइए ना किसान है ना व्यापारी है, कुछ भी नहीं, देख सकते बस यहाँ पे ये स्टाफ भी है सब, और बाकी आप इधर भी देख लो, हाँ कोई है ही नहीं, साथ में देवकांत शर्मा जी हैं जी। शर्मा जी कितना आलू किया था इस साल? किया था 8-9 बीघा। 8-9 बीघा था। पैकेट की बात करें तो करीब कितने पैकेट थे? वही पैकेट का 125 की वसूली लगी है, 1000 पैकेट। 1000 पैकेट जी। तो सारा का सारा सच्चिदानंद में ही था? सारा आलू सच्चिदानंद में। तो कुछ थोड़ा बहुत बेचा है उसमें से? सब बेची गए, हमारा गुल्ला रहेगा, गुल्ला रह गया है। तो जो अभी बेचा है किस रेट का बेचा है? वो बेचा है मैंने 9 रुपए में। 9 रुपए में, तो 9 रुपए से ऊपर भी थोड़ा बहुत बेचा था कि सारा 9 में ही बेचा? सारा 9 में। आलू डैमेज हो गया था, आलू डैमेज हो गया था, डैमेज हो गया था, मतलब खेत में ही समस्या आ गई थी कि? खेत में ही आई, खेत में। तो खेत में क्या खुला पड़ा रहा, क्या दिक्कत? खोदने में खुदाई में लेट हो गया था, बेल बेल पड़ गए तो उससे फूट गया आलू मेरा। अच्छा, थोड़ा दिक्कत हो रही है, दागी था थोड़ा बहुत। तो 9 रुपए का आपको रेट मिल गया। ये मेरे साथ में देवकांत शर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि आलू में थोड़ी बहुत समस्या थी उनके, तो उन्होंने 9 रुपए में सारा आलू निकाल दिया है। कौन सा आलू था आपका? 302। बाकी आगे की स्थिति की बात करें तो थोड़ा बहुत क्या दिख रहा है आपको आगे की स्थिति? खराब दिख रही है इस तरीके से, बेच चुके हो इसलिए दिख रही है? नहीं, दिशा ये है कि 5 साल आलू निकल चुका था और 14-15 हजार कट्टे निकल चुके इस समय, और अब 9-8-9 हजार रुपये की 9 हजार पैकेट की वो है पोजिशन है। किसान कोई कोल्ड पर दिख नहीं रहा है इस समय, वित्तीय होती इस महीने में नहीं, तो अब किसान कब तक इंतजार करेगा? नहीं तो ये भी तो ना भाई, पिछले साल रेट भी अच्छा मिला था तो किसान ही वो निकालता रहा लगातार। दूसरी बात भाई, अब रेट नहीं अच्छा मिल रहा है
तो किसान उस चक्कर में थोड़ा बहुत बैठा कर, मान लो रेट दो एक आध रुपया पड़ जाए तो एक साथ निकासी करे, उसी में लगा तो किसान तो उम्मीद पे ही है, उम्मीद पे जी रहा है। अब कब तक जिए उम्मीद पे भाई, किसान को जो पैसा लिया हुआ है आलू में लगा हुआ है, अब किसान ले खेच को लेकर पैसा लगा दिया है या किसी बैंक से या कैसे भी करके या किसी बोरे से लेकर के उनका तगादा है तो उनके लिए आलू तो बेचना पड़ेगा, चाहे भाई का जाए, इसलिए परिस्थिति है किसान के सामने। अब किसान कब तक इंतजार करेगा? सही बात।